Hello and welcome to INBS classes. I am Shyam Saraf. And guys, अभी हम लोग जो discuss करने वाले हैं is puzzles. Puzzles actually is a very important topic as per NIMS. काफी अपना हर साल ही questions puzzles के ऊपर आते हैं और कई प्रकार के puzzle वाले questions होते हैं. So it is really important कि इस topic को बहुत ज़्यादा seriously आप लोग right. अब puzzles में जो सबसे बेसिक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक तरह का नहीं कहेंगे, सबसे ज्यादा तरह का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे तो अलग अलग टाइम का क्वेश्चन हो सकते हैं, बट जो एक क्वेश्चन है जो टेबल बेस्ड अरेंजमेंट के ऊपर होता है या ग्रिड बेस्ड अरेंजमेंट के ऊपर, वैसे ग्रिड बेस्ड अरेंजमेंट हम ज्यादा टेबुलर डेटा लेके सॉल्व करते हैं, राइट. उसमें भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो ग्रिड बेस्ड या टेबल बेस्ड काइंड ऑफ अरेंजमेंट होता है वो ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, राइट. एक सेट के साथ कम से कम तीन चार क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, इसके बारे में जानकारी रखो और इसको सही भी करो. तो अभी हम यही डिस्कस करेंगे सबसे पहले, राइट, टेबल एंड ग्रिड बेस्ड पजल्स, राइट. अब इसमें डेटा कैसे रहेगा ये हम क्वेश्चंस देख करके विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एंड हम उसके ऊपर फोकस करेंगे क्या क्या पॉइंट्स और चीजों पर हमें एम्फसाइज करना है, राइट. तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, राइट. अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, फाइव प्रोफेसर्स रेसाइडिंग एट फाइव डिफरेंट सिटीज टीच फाइव डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सो हमें क्या करना है, वी हैव टू कनेक्ट कि कौन प्रोफेसर कौन से सिटी में रहता है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, राइट. सो इट्स लाइक ए जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में देखो प्रोफेसर के नाम दिए हुए कौन कौन है, ए बी सी डी ई दिख रहे हैं, अलग अलग सिटी में रहते हैं, जैसे बैंगलोर, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, तो ये अलग अलग सिटीज हैं. और जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी दिए हुए मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस, राइट. तो हमें पता करना है ये जैसे कौन से सिटी में है और कौन सा सब्जेक्ट उसे पसंद है या वो पढ़ाता है, राइट. सो आइडियली सबसे पहले आप क्या करोगे, टेबल बना लो इस तरह का. तो टेबल कैसा है कि फर्स्ट कॉलम हमने रखा है प्रोफेसर्स के लिए, बिकॉज़ वी विल कनेक्ट कि कौन सा प्रोफेसर किस सिटी में और कौन सा सब्जेक्ट. तो प्रोफेसर के नाम हमें जैसे पता ही है, ए बी सी डी एंड ई, ये पांच प्रोफेसर्स हैं आपके. अब इंफॉर्मेशन वाइज अगर आप देखो ए के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, ए डज नॉट स्टे इन ईदर बैंगलोर और लखनऊ. सो ए बैंगलोर में नहीं रहता है, लखनऊ में नहीं रहता है, राइट. बी डज नॉट स्टे इन हैदराबाद और लखनऊ, बी हैदराबाद में नहीं रहता है, लखनऊ में नहीं रहता है. ही टीचेस मैथ्स, सो बी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, मैथ्स, राइट. फिर देखो डी स्टेज एट जयपुर, सो डी कहाँ रहते हैं, जयपुर में, सो दिस इज जयपुर द सिटी, राइट. ई डज नॉट स्टे एट बैंगलोर नॉर एट दिल्ली, सो ई बैंगलोर में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बट ई टीचेस ज्योग्राफी, सो सब्जेक्ट कौन सा है, ज्योग्राफी, राइट. अब अगला पॉइंट जो है ये कह रहा है सी डज नॉट टेक हिस्ट्री, तो सी हिस्ट्री नहीं पढ़ाता है, राइट, बट ही स्टेज एट दिल्ली एंड ही स्टेज एट दिल्ली, तो ये दिल्ली रहता है, राइट. अब एक इंफॉर्मेशन ये, तो ये डायरेक्टली जो जो इंफॉर्मेशन दे हमने वहां पे रख दिए है ऐसे. अब देखो आप अगला पॉइंट जो देखो वो क्या कह रहा है, द पर्सन फ्रॉम हैदराबाद टीचेस हिस्ट्री, तो ये दो जो इन्फॉर्मेशन ये कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, जो हैदराबाद में रहता है वही हिस्ट्री पढ़ाता है. तो अब हमें चेक करना है ऐसा कौन सा बंदा जो हैदराबाद में रह के और हिस्ट्री पढ़, क्योंकि हमें ये पता नहीं हैदराबाद में रहता कौन है, राइट. और हमें ये भी नहीं पता है हिस्ट्री कौन पढ़ाता है. सो आइडली अगर आप देखो ये बंदा हैदराबाद रह सकता है, बट क्योंकि ये ज्योग्राफी पढ़ाता है तो ये हैदराबाद में नहीं होगा, राइट. ई हमें बी हमें पता ही ऑलरेडी हैदराबाद में नहीं है या हैदराबाद का नहीं है, so it is only A who can be from Hyderabad, ठीक है. so ये हैदराबाद का होगा and subject कौन सा पढ़ाएगा, history, right. अब अगर आप information check करो बैंगलोर यहाँ पे नहीं आ सकता, E वाले में बैंगलोर नहीं आ सकता, तो ये बंदा बैंगलोर का होगा, right. and जो final जो place बच गया लखनऊ, E लखनऊ का होगा, राइट. जो क्या नहीं पता चला, सी एन डी का सब्जेक्ट नहीं पता चला हमें, तो लास्ट स्टेटमेंट बोल रहे टू ऑफ देम टीच फिलोसफी एंड साइंस, तो
इन दोनों में से एक बंदा फिलोसफी पढ़ाता है और एक साइंस, तो इनमें से कोई भी एक बंदा फिलोसफी पढ़ा सकता है. तो लेट्स सी, ये फिलोसफी, तो ये साइंस, और ये साइंस, तो ये फिलोसफी, राइट. तो ये आई होप ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया. ये नॉन यूनिक सेट है बिकॉज इसके इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं पता चल पाए क्या है. तो आइडियली अगर आप देखोगे, अगर आप क्वेश्चंस पे आते तो बोले विच, वेयर डज प्रोफेसर द साइंस प्रोफेसर रिसाइड, तो साइंस प्रोफेसर कहाँ रहता है, कैन वी फिगर आउट. देखो ये वाला और ये वाला में कोई भी एक बंदा साइंस का प्रोफेसर हो सकता है, वी नॉट श्योर, मे बी दिल्ली मे बी जयपुर. सो आंसर विल बी कांट से. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेसर लिव्स एट लखनऊ, सो लखनऊ में कौन रहता है, ई, राइट. सो इट इज ऑप्शन ई, तो ऑप्शन एरर है, यू जस्ट से दिस इज ई, राइट. So the answer will be B option. Is it okay? Right? So this is how we try and solve a question which is based on puzzles. Right? इसके अलग-अलग varieties हो सकते हैं. Right? जैसे ये एक और variety है, same type almost on same lines. But यहाँ पे information ज़्यादा दिया हुआ है compared to the previous one. तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है. The six children, A, B, C, D, E, F. Who study in six different cities. The name of cities are given: Delhi, Indore, Jodhpur, Coimbatore, Dehradun, and Chandigarh. Right? And they're studying in classes 5, 6, 7, 8, 9, 10. Not necessarily in the same order. मतलब जरूरी नहीं कि A class 5 में, B 6 में, and so on. Right? And उनके favorite subjects are कौन-कौन से? Physics, chemistry, maths, bio, Hindi, and English. तो हमें क्या करना है? समझ में आ रहा होगा data wise. हमें यही करना है कि we have to connect कि कौन सा बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, किस क्लास में है वो, राइट, एंड किस सिटी का है, रहने वाला है, दैट इज व्हाट यू हैव टू कनेक्ट. और जो पहला इंफॉर्मेशन है ये बोल रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं, फिर हम इंफॉर्मेशन पे आते हैं. तो लेट्स मेक अ टेबल लाइक दिस, चिल्ड्रन, सिटी, क्लास एंड सब्जेक्ट, राइट. अब देखो छह चिल्ड्रन के नेम पता है हमें, कौन कौन है ये, ए बी सी डी ई एंड एफ, चलो उसको ऐसे रख लेते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है. अब जो इंफॉर्मेशन है पहला वाला वो ये कह रहा है, द वन स्टडिंग इन देहरादून इज इन क्लास 8, डज नॉट लाइक हिंदी और केमिस्ट्री. अब ये पता फिलहाल नहीं पता है कि कौन देहरादून में, तो ये इंफॉर्मेशन हम ध्यान में रखते हैं, देहरादून क्लास 8 हिंदी केमिस्ट्री नहीं पसंद है उसे, ठीक है. देखो सेकेंड वाला इंफॉर्मेशन पहले, जो भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो ले लो, ए'स फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स, सो ए का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कौन सा है, फिजिक्स, राइट, एंड ही स्टेज इन इंदौर, सो ये सिटी भी इंदौर है, राइट, ठीक है. देन बायोलॉजी एंड इंग्लिश आर टॉट इन क्लास 9 एंड 10, वन इन ईच क्लास बट नॉट इन एनी अदर. तो क्लास 9 एंड 10 वाले को बायो इंग्लिश में से कुछ पसंद होगा, फिलहाल कौन क्लास 9 10 में हमें पता नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें ध्यान में रखना है, इन नॉट इन एनी ऑर्डर है, ये भी दिमाग में रखना है, क्योंकि बायो वाला क्लास 9 का हो सकता है या बायो वाला 10 का भी हो सकता है, नॉट इन एनी ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं, जरूरी है कि पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करे. अब देखो द नेक्स्ट पॉइंट इज, एफ इज द चाइल्ड studying in class 7 in Jodhpur. So F hai class 7 aur city ka naam hai Jodhpur, right? Aur koi information nahi. Ab dekhte hain iske aage, D's favorite subject is English. So D ka jo favorite subject hai wo kaun sa hai, English, right? Hindi is the favorite subject of the child studying in class 6 in Coimbatore. So ye teenon कनेक्टेड है, हिंदी, क्लासिक्स एंड कॉम्प्यूटर, हमें पता नहीं है कहाँ जाएगा ये, तो ये डेटा भी हम एज इट इज रखते हैं फिलहाल. एंड आगे वाला देखो, ई स्टेज इन चंडीगढ़, ई जो है वो कहाँ से, चंडीगढ़ से, राइट, एंड बी स्टेज इन देहरादून, बी देहरादून से. अगर आपको याद है देहरादून का एक पॉइंट था यहाँ पे, पॉइंट नंबर वन, ध्यान से देखो नंबर क्या कह रहे, द वन स्टडिंग इन देहरादून, तो जो बंदा देहरादून का है वो क्लास 8 में है और इसे हिंदी नहीं पसंद है, केमिस्ट्री नहीं पसंद है,
हम बोलेंगे इस बंदे को हिंदी नहीं पसंद है और इसे केमिस्ट्री नहीं पसंद, राइट? अब ये इंफॉर्मेशन तो हमने यूज कर लिया है ना. अब एक इंफॉर्मेशन है इंग्लिश एंड बायोलॉजी क्लास 9 एंड क्लास 10 वाले का है. तो इंग्लिश वाले का क्लास क्या होगा, या तो 9 या फिर 10, तो 9 या 10 या 10 या 9 बोल सकते हो. अब बायो वाला या तो ये होगा ई या सी होगा, कुछ कह नहीं सकते फिलहाल, राइट? क्योंकि ये क्लास 9 10 का तो हो नहीं सकता, राइट? ये 9 10 का हो सकता है सी. क्यों ये 9 10 का नहीं हो सकता, ये बिकॉज ये फिजिक्स पढ़ता है, राइट? ई 9 10 का हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. बट एक इंफॉर्मेशन है अगर आप देखो यहाँ पे कि ई ये जो हमने मिस कर दिया पॉइंट नंबर 5, हिंदी इज अ फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 6 इन कोयम्बटूर. सो इंफॉर्मेशन ऐसा है, कोयम्बटूर क्लास 6 और हिंदी, ये तीनों कनेक्टेड डेटा है, कोयम्बटूर क्लास 6 और हिंदी. आप सोचिए तीनों डेटा एक साथ कहां जा सकते हैं, ये सी के सेक्शन में ही जा सकते हैं, है ना? कोयम्बटूर, बिकॉज ये देखो यहाँ कोयम्बटूर आएगा नहीं, क्लास 6 है नहीं है, यहाँ कोयम्बटूर आ सकता है, बस कोयम्बटूर क्लास 6 हिंदी. अब यहां से क्लैरिटी हो गया कि ये क्लास 6 हो गया, ये 9 10 हो नहीं सकता, तो यही बंदा होगा 10 9 का. सो ये 9 तो ये 10, ये 10 तो ये 9, और इसे सब्जेक्ट कौन सा पसंद होगा, बायो. क्यों? बिकॉज 9 एंड 10 वाले को भी बायो एंड इंग्लिश बताया जा रहा है ना. अब अगर सिटी वाइज आप देखो, जो सिटी बच गया है डी का वो दिल्ली हो गया, राइट? एंड ए वाले का क्लास अगर आप देखो जो बच गया है क्लास 5 हो गया, ठीक है? और सब्जेक्ट में अगर देखो यहां केमिस्ट्री आ नहीं सकता है बी वाले सेक्शन में, तो ये केमिस्ट्री हो जाएगा, राइट? और यहां जो एक सब्जेक्ट बच गया वो कौन सा है, मैथ्स, ये मैथ्स हो गया, ठीक है? सो हमारा पूरा टेबल बन गया है. अब चाहे दो या तीन जो भी क्वेश्चंस हैं हम आंसर कर सकते हैं, सिर्फ एक डेटा हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि ये क्लास 9 10 वाला, 9 10 10 में है ना. सो द चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 9 स्टैंडर्ड इज इन विच सिटी, तो 9 स्टैंडर्ड वाला या तो दिल्ली का हो सकता है या चंडीगढ़ का हो सकता है. सी आंसर इज डेटा इनसफिशिएंट. द चाइल्ड हु लाइक्स टू स्टडी फिजिक्स इज इन विच क्लास, तो फिजिक्स जो फिजिक्स पढ़ता है वो किस क्लास में, क्लास 5, राइट? एंड द चाइल्ड हु लाइक्स टू स्टडी बायो इज इन विच सिटी, तो बायो वाला किस सिटी में, देखो बायो वाला किस सिटी में, चंडीगढ़ में, किस क्लास में पता नहीं, बट सिटी चंडीगढ़ है, बीन में. सो द आंसर इज ए, राइट? सो आई होप क्लैरिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस में सेट कैसे बनाना है, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करके क्या क्या चीजों पर फोकस करके आगे सेट बनाना चाहिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो सेट देते हैं. अभी अभी तक तो हमने सेट में कैसे देखा कि एक बंदा एक ही सिटी में रह सकता है, एक ही क्लास और एक ही सब्जेक्ट पसंद है. कई बार ऐसा होगा कि एक बंदे को दो सब्जेक्ट पसंद हो सकता है, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, ऐसा भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, तो उस टाइप के भी सेट्स हम देख लेते हैं. अब ये जो तीसरा सेट है इसमें कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन है. पहले इंफॉर्मेशन देख लेना चाहिए कि 5 फ्रेंड्स है एबीसीडी, दे प्ले 1 गेम एंड स्टडी 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है? और इंफॉर्मेशन देखो, द पर्सन हु स्टडीज अ प्लेस क्रिकेट स्टडीज स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स, ए एंड बी प्लेस फुटबॉल. अब ध्यान में रखने वाली बात है कि एक ही गेम खेलता है लेकिन दो सब्जेक्ट पढ़ता है, ठीक है? और ये देखो ए एंड बी प्लेस फुटबॉल, दोनों एक ही गेम खेलते हैं, राइट? तो ऐसा इसमें नहीं है कि अलग अलग गेम खेल रहा है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? और इंफॉर्मेशन देखोगे तो डी प्लेस हॉकी एंड स्टडीज स्टैटिस्टिक्स, राइट? ये सब आप इंफॉर्मेशन रीड करो. बट यहाँ पे देखो वन सब्जेक्ट इज कॉमन बिटवीन डी एंड ई, तो यहाँ पे कॉमन का भी बात हो रहा है, कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन भी हो सकते हैं, राइट? एंड ये एक इंफॉर्मेशन, ईच सब्जेक्ट इज कॉमन बिटवीन एग्जैक्टली 2%, मतलब अगर स्टैटिस्टिक्स है तो स्टैटिस्टिक्स 5 में से 2 ही लोग पढ़ते हैं, और कॉमन है, 2 लोग पढ़ ही रहे हैं, ये पक्का गारंटी है, ठीक है? तो अटेम्प्ट करने का तरीका वही है, बस इंफॉर्मेशन का जो मॉडल है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, राइट? तो इन
इंफॉर्मेशन वाइज हम ऐसे ही जाएंगे, चिल्ड्रेन, गेम एंड सब्जेक्ट, राइट। अब आप चेक करो इस पे, नेम ऑफ द चिल्ड्रेन कौन कौन है, ए बी सी डी ई, राइट। ये नेम ऑफ द चिल्ड्रेन है। अब द वन हु प्लेस क्रिकेट स्टडीज स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स, फिलहाल हमें पता नहीं है कौन क्रिकेट पसंद करे, तो जो क्रिकेट पसंद करता है उसे वो स्टैट्स पढ़ रहा है एंड मैथ्स पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगला पॉइंट बोल रहा है ए बी प्लेस फुटबॉल, तो ए फुटबॉल पसंद करते हैं, बी भी फुटबॉल पसंद करते हैं, राइट। अब देखते हैं डी प्लेस हॉकी, सो डी हॉकी खेलता है, राइट, एंड स्टडीज स्टैटिस्टिक्स, सी ए स्टैट्स पढ़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है बोथ फुटबॉल प्लेयर स्टडी फिजिक्स, तो ये जो दोनों फुटबॉल प्लेयर हैं दोनों फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स फिजिक्स, ठीक है। बट ओनली वन ऑफ देम स्टडीज केमिस्ट्री, इन दोनों में से एक ही बंदा ऐसा है जो केमिस्ट्री पढ़ता है, या तो ये केमिस्ट्री पढ़ता होगा या फिर ये केमिस्ट्री पढ़ता होगा, हमें पता नहीं कौन केमिस्ट्री पढ़ता है, इन दोनों में से एक बंदा है जो केमिस्ट्री पढ़ता है, ठीक है। द पर्सन हु प्लेस टेनिस स्टडीज केमिस्ट्री, अब इसमें हमें पता नहीं है फिलहाल कौन टेनिस वाला है, ठीक है। तो मान लो जो भी टेनिस खेलेगा उसे केमिस्ट्री पसंद होगा, तो एक्चुअली बच ही गया है ना इन्फॉर्मेशन, एक क्रिकेट खेलेगा एक टेनिस खेलेगा, इन दोनों में से कहीं, राइट। अब अगला पॉइंट बोला ई डज नॉट प्ले टेनिस, अब अगर ई टेनिस नहीं खेलता है तो ये क्या खेलेगा, क्रिकेट, ठीक है। तो क्या पढ़ेगा या इसे क्या पसंद है, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स, और ये क्रिकेट तो सी क्या, टेनिस, और इसमें क्या कॉमन होगा, केमिस्ट्री, सॉरी कौन सा सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री, ठीक है, बिकॉज ई डज नॉट प्ले टेनिस, राइट। अब इंफॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं, ए एंड सी हैव वन कॉमन सब्जेक्ट बिटवीन देम विच इज नॉट फिजिक्स, वैसे भी फिजिक्स नहीं हो सकता बिकॉज एक जो पॉइंट है, ईच सब्जेक्ट इज कॉमन बिटवीन एग्जैक्टली टू पर्संस, तो ए सी में एक सब्जेक्ट कॉमन है, वो कौन सा कॉमन सब्जेक्ट हो सकता है, केमिस्ट्री ही हो सकता है ना, इजंट इट, नहीं अभी फिलहाल ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है ये केमिस्ट्री पढ़ता हो और ये कोई दूसरा सब्जेक्ट भी तो कॉमन हो सकता है इन दोनों के बीच में, है कि नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई दूसरा सब्जेक्ट भी तो कॉमन हो सकता है, राइट। बट अगेन एक पॉइंट और दिया हुआ है कि वन सब्जेक्ट इज कॉमन बिटवीन बी एंड ई, ये भी पॉइंट देता है, तो हम बोल रहे ये हो सकता है इसके पास एक सब्जेक्ट और है, वो सब्जेक्ट कॉमन हो जाएंगे दोनों के बीच में, राइट, हम चेक कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें इंश्योर करना होगा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट इनका कॉमन है, मान लो कोई सब्जेक्ट एक्स है जो कॉमन है इन दोनों के बीच में, ठीक है, और हम एज्यूम करें कि बी केमिस्ट्री पढ़ेगा, राइट, तो हमें ये श्योर होना पड़ेगा कि बी केमिस्ट्री नहीं पढ़ता इन दैट केस। तो ये जो एक पॉइंट है, वन सब्जेक्ट इज कॉमन बिटवीन बी एंड ई, तो बी और ई में अगर कोई सब्जेक्ट कॉमन है तो वो जो कॉमन सब्जेक्ट होगा बी ई का वो या तो स्टैटिस्टिक्स होगा या फिर मैथ्स होगा, मतलब कुछ भी हो जाए तो बी जो है वो केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ेगा, है ना, इसका मतलब ए केमिस्ट्री पढ़ेगा पक्का है। तो ये जो कॉमन सब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में वो कौन सा है, केमिस्ट्री ही है वो सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये जो बोल रहा है आपको कि वन सब्जेक्ट इज कॉमन बिटवीन बी एंड ई, तो बी ई में कॉमन सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि दो लोग के बीच में कॉमन ऑलरेडी हो गया, तो बचा क्या, मैथ्स, ये मैथ्स होगा, राइट। अब एक सब्जेक्ट और बच गया है, राइट, अकाउंट्स, है ना, तो और अकाउंट्स इन दोनों का ही कॉमन सब्जेक्ट, क्योंकि केमिस्ट्री दो बार कॉमन आ गया, मैथ्स दो बार कॉमन हो चुका है, स्टैटिस्टिक्स हो चुका है, फिजिक्स हो चुका है, बचा सिर्फ अकाउंट्स ही है, दैट इज इट, क्लियर है ये पॉइंट, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इसको कैसे अप्रोच एंड अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। अब देखते हैं हु प्लेस क्रिकेट, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, हु प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट कौन खेलता है, ई, हु स्टडीज मैथ्स, तो मैथ्स देखो कौन पढ़ता है, मैथ्स पढ़ने वाले कौन कौन है, एक तो बी है और एक ई है, ऑप्शन में कौन है, बी दिया हुआ, एंड दी
subject studied by the person who plays hockey. Hockey खेलने वाला statistics and accounts. So statistics and account option A. Right? तो अगर आप देखो approach wise same था, बस data wise थोड़ा सा changes था data में, है ना? But I hope आपको समझ में आया है कि ये approach कैसे करते हैं, solve कैसे करना है and move कैसे करना है इसे type of questions में. Right? चलो एक और set लेते हैं इस पे. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं, इन अरोरा कॉलेज द फाइव स्टूडेंट्स हु गॉट स्टार ऑफ एक्सलेंस अवार्ड फॉर द परफॉर्मेंस इन डिफरेंट फील्ड्स. सकीना एंड रूही रिसीव द अवार्ड फॉर बेस्ट एनसीसी कैडेट इनोवेटिव थिंकिंग. सचिन एंड रूही गॉट द अवार्ड फॉर बेस्ट स्टूडेंट एंड एनएसएस वर्क्स. रवली एंड सकीना गॉट द अवार्ड फॉर सिंगिंग एंड एनएसएस वर्क्स. संजय सचिन एंड रूही गॉट अवार्ड फॉर बिहेवियर एंड बेस्ट स्टूडेंट. सो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें फिगर आउट करना है कि किसको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं. ये भी एक टेबल टाइप का डेटा है लेकिन काफी सिंपल सा लग रहा है देखने में. तो कैन डू इज समथिंग, आप नेम्स लिख सकते हो और उनके अवार्ड जॉट डाउन कर सकते हो. राइट राइट, तो जैसे स्टूडेंट का नाम क्या क्या है, एक सकीना है, एक रूही है, एक सचिन है, फिर रवली है एंड एक है संजय. राइट, और कोई होगा तो हम रख देंगे नीचे. राइट, अब देखो अवार्ड्स, पहला इंफॉर्मेशन क्या है, सकीना एंड रूही रिसीव्ड अवार्ड फॉर एनसीसी कैडेट बेस्ट. तो हम ऐसे लिख रहे हैं, सकीना एंड रूही एनसीसी लिख देते हैं. राइट, एंड इनोवेटिव थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग के लिए आईटी लिख देते हैं. ठीक, इनोवेटिव थिंकिंग. राइट, तो ये इंफॉर्मेशन यूज हो गई. सचिन एंड रूही गॉट द अवार्ड फॉर बेस्ट स्टूडेंट एंड एनएसएस वर्क. सचिन एंड रूही बेस्ट स्टूडेंट, तो बेस्ट लिख देते खाली. एंड और क्या है, एंड एनएसएस वर्क्स, तो एनएसएस एनएसएस का भी वर्कआउट कर दिया. ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट बोल रहे हैं, रवली एंड सकीना गॉट द अवार्ड फॉर सिंगिंग एंड एनएसएस वर्क. सो रवली इज गॉट फॉर सिंगिंग एंड एनएसएस, एंड सकीना इज ऑल्सो गॉट फॉर सिंगिंग राइट एंड एनएसएस. एनएसएस कॉमन तो नहीं मिलती तक. राइट, अब संजय सचिन एंड रूही गॉट फॉर बिहेवियर एंड बेस्ट स्टूडेंट. ठीक है, संजय इज गॉट फॉर बिहेवियर एंड बेस्ट स्टूडेंट. राइट, लाइकवाइज सचिन का भी बिहेवियर है एंड बेस्ट स्टूडेंट है. राइट, एंड कौन है, रूही का बिहेवियर है. सो बिहेवियर बेस्ट स्टूडेंट ऑलरेडी है यहाँ पे. ठीक है, ऑलरेडी हमने रख दिया क्योंकि पहले भी ये मेंशन था ना. सो हमने सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया. अगर आप देखो ये इंफॉर्मेशन काफी डिफरेंट है देन द प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया, और ये थोड़ा सा इजी भी है. राइट, बट यू हैव टू बी ओपन कि एग्जाम में कैसा भी डेटा आ सकता है पजल वाले में. सो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टूडेंट्स गॉट द अवार्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड्स. सो आइडियली अगर आप देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड्स लुक्स लाइक रूही. राइट, 1 2 3 4 5. सचिन को कितना मिला, 1 2 3 4 मिले, है ना. सो इट इज रूही. राइट, अच्छा सकीना इज आल्सो गॉट फॉर 4, सो इट इज रूही ए. विच अवार्ड वॉज गिवन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा कौन सा अवार्ड है जो सबसे ज्यादा टाइम दिया. जैसे बेस्ट स्टूडेंट कितने बार दिया गया है, तो बेस्ट स्टूडेंट एक बार यहाँ है, दो है, तीन है. राइट, तीन बार दिया गया. लेट्स से एनएसएस वर्क कितने बार दिया, देखो 1 2 3 4 बार दिया. इनोवेटिव थिंकिंग दो बार दिया हुआ है. एनसीसी कैडेट दो बार दिया हुआ है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या दिया, एनएसएस वर्क. सो आंसर विल बी बी. And it says Rui and Sakina got the award in how many common fields? Common, दोनों में common कौन कौन से, NCC, IT, NSS, तीन ही है बस. So answer will be 3. हाँ, आप जरूर सोच रहे होंगे क्या इसके लिए टेबल बनाना जरूरी है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है पैराग्राफ रीड करते करते भी
इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो एंड आप नॉर्मली रीडिंग करते ही आप पता कर सकते हो किसको कितने अवार्ड्स मिले हैं, कौन सा अवार्ड सबसे ज्यादा है. बट टेबल में रखने से चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाती है एंड आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो बढ़ जाएगा उससे. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, राइट. तो अगले वाले जो वीडियो होगा उसमें हम और भी वैरायटीज का बात करेंगे. फिलहाल हम फोकस ज्यादा कर रहे थे टैबुलर काइंड ऑफ पजल के ऊपर. ठीक है, तो चलो, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.